ये आप लोगों के सामने कि यार ये जो मैंने ओपन किया लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस टॉप के ऊपर, यहाँ पे जो सबसे पहली चीज इंफॉर्मेशन में जो मेंशन है वो है चेक आईडी, यानी चेक नंबर या ईएफटी नंबर जिसके थ्रू इंश्योरेंस ने पेमेंट की है प्रोवाइडर को, ये टॉप के ऊपर लिखा हुआ है चेक आईडी। उसके बाद जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो आपके पास पेमेंट अमाउंट है इंश्योरेंस की, यहाँ पे $0 है। और उसके बाद जो मेजर इंफॉर्मेशन है पेयर की इंफॉर्मेशन यानी इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन, वो इंश्योरेंस का नाम है ये यहाँ पे मेंशन है, फ्लोरिडा ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड। उसके बाद इंश्योरेंस का आइडेंटिफायर है, उसके बाद इंश्योरेंस का एड्रेस और उसका फोन नंबर। देन जो थर्ड चीज है वो प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन है, यानी जिस प्रोवाइडर को इंश्योरेंस पे कर रही है वो यहाँ पे मेंशन है। इस प्रोवाइडर का नाम, इसकी प्रैक्टिस का नाम मार्गेट पीडियाट्रिक्स है, जिसको इंश्योरेंस पे करने जा रही है। ये सारी प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन। देन उसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्लेम रेफरेंस आईडी नजर आएगी। ये वो क्लेम रेफरेंस आईडी है जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। जब आप कोई भी क्लेम या कोई भी बिल अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंटर करते हैं तो ये आईडी ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उसको असाइन कर देता है, ये वो आईडी है। उसके बाद यहाँ पे टोटल क्लेम चार्जेस हैं, यानी क्लेम के ऊपर आपने कौन कौन से सीपीटी बिल किए थे, उसके टोटल चार्ज अमाउंट कितने थे। अगर एक सीपीटी था तो भी, अगर मल्टीपल सीपीटी थे तो सबकी चार्ज अमाउंट कंबाइन यहाँ पे शो हो रही होती। उसके बाद क्लेम पेमेंट अमाउंट इंश्योरेंस ने कितना पे किया है, यहाँ पे $0 है। और पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आपको शो हो रही है $87.28। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो ये पेशेंट का नेम है, इंश्योरेंस का क्लेम नंबर है, और उसके बाद पेशेंट की आईडी है, जो इंश्योरेंस की आईडी होती है। पेशेंट जो भी इंश्योरेंस परचेज करता है तो उसकी एक स्पेसिफिक आईडी होती है, इसको हम पेशेंट आईडी भी कहते हैं। और उसके बाद ये प्रोवाइडर का नाम है आलिया सर, वो प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन एनपीआई वगैरह। देन नीचे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे ये देखें आप, यहाँ पे सर्विस डेट, ये पहला कॉलम है जिस डेट को प्रोवाइडर ने सर्विसेज परफॉर्म की थी, जिसको आप डेट ऑफ सर्विस कहते हैं। ये अगस्त 9, 2021 है डेट ऑफ सर्विस। और फर्स्ट प्रोसीजर कोड है, ये लिखा हुआ है प्रोसीजर कोड या सीपीटी कोड, ये 99214 है और इसका एक यूनिट बिल हुआ है। इसके टोटल जो चार्ज अमाउंट है या बिल्ड अमाउंट, ये इसके सामने मेंशन है $200। इंश्योरेंस ने अलाउ किया है $87.28। और इंश्योरेंस बाकी जो अमाउंट मैंने कल भी आपको बताया था कि बिल्ड अमाउंट और अलाउड अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल एडजस्टमेंट में चला जाता है, वो ये है $112.72, यहाँ पे ये एडजस्टमेंट के नीचे शो है। उसके बाद इंश्योरेंस की पेमेंट आप देखें तो ये जीरो है, को इंश्योरेंस और को पे जीरो है, और यहाँ पे शो हो रहा है ये डिडक्टेबल अमाउंट। ये हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे कि को पे क्या होता है, को इंश्योरेंस क्या होती है और डिडक्टेबल क्या होता है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस ने पेमेंट जो की है वो $0 की है और डिडक्टेबल अमाउंट शो हो रही है $87.28। बाकी ये सेकंड सीपीटी है, इसमें ना तो कोई पेमेंट है ना कोई पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट मीन्स कि ये प्रोसीजर कोड सिर्फ एडजस्टमेंट में जाएंगे सारे के सारे। ये देखिए $1 इसके चार्ज अमाउंट था, सारी एडजस्टमेंट है। $35 चार्ज अमाउंट है वो एडजस्टमेंट है, और $30 चार्ज अमाउंट है ये भी एडजस्टमेंट है। तो ये इंफॉर्मेशन आती है आपको ईआरए या ईओबी के ऊपर। अब मैंने कल आपको डिटेल से अमाउंट्स के बारे में बताया था कि जो बिल्ड अमाउंट होती है वो क्या होती है, अलाउड अमाउंट क्या होती है, एडजस्टमेंट क्या होती है और पेमेंट अमाउंट क्या होती है। तो ये आपको क्लियर है, अगर सबको क्लियर है तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, उसके बाद हम बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। जी क्लियर है सबको, आगे चलें। यस सर। ओके अच्छा, ये तो है जी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस या ईआरए कहते हैं। ये आपने देख ली है। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, कोई पेड क्लेम निकाल के वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये बीसीबीएस की एक और ईआरए है, यहाँ पे देखें तो ये तीन सीपीटी कोड बिल हुए हैं। फर्स्ट है 99392, सेकेंड है 90633 और थर्ड वन है 90464। इसके चार्ज अमाउंट $280 है, इसकी 150 है और इसकी 60 है। इंश्योरेंस ने इसका $76.04 अलाउ किया है और वही उसने पे कर दिया है। आप देखें तो डिडक्टिबल को इंश्योरेंस को पे ये कॉलम सारे खाली हैं,
इट मींस कि जितना इंश्योरेंस ने अलाउ किया है वही उसने पे कर दिया है, पेशेंट के एंड पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसी तरह इसके $38 अलाउ किए हैं, इतना ही पे किया है, इसके $20 $0.31 अलाउ किए हैं और $20 ही पे भी किए हैं। तो ये टोटल पेमेंट है इसकी, ये देख लें यहाँ पे कोई पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो जब आपका क्लेम फुली पेड होता है तो वो इस तरह से आपको ईआरए शो होगी, कोई भी डिडक्टेबल को पे या कोई इंश्योरेंस की कॉलम में आपको कोई अमाउंट शो नहीं होगी। और जब पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ती है इंश्योरेंस तो वो आपको शो होती है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस ईआरए में बताया यहाँ पे डिडक्टेबल में वो अमाउंट शो हो रही थी। अगर कोई इंश्योरेंस होती तो यहाँ पे शो होती, अगर को पे अमाउंट होती तो वो यहाँ पे शो होती आपको। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जी ईआरए जिसको हम कहते हैं। मैं आपको एक ईओबी भी दिखा देता हूँ इसकी पेपर फॉर्म में। ये है जी एक ईओबी, ये जो पेपर फॉर्म के अंदर हमें पेमेंट रिसीव होती है इसको हम एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स कहते हैं। सबसे ऊपर टॉप पे आप देखें तो यहाँ पे ये एटना लिखा हुआ है, ये इंश्योरेंस का नेम है, एटना बेटर हेल्थ ऑफ फ्लोरिडा। उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, वेबसाइट का एड्रेस, ये सारी चीजें, और देन उसके पास रेमिट डेट यानी जिस डेट को उसने क्लेम की पेमेंट इशू की है वो डेट है 12/14/2021, ये डेट यहाँ पे आ रही है। और जो प्रोसेस्ड अमाउंट यानी जो पेड अमाउंट है वो $70.88 है, नेट अमाउंट यही है। और जिस चेक के अगेंस्ट उसने पेमेंट किया ईएफटी के अगेंस्ट, वो ईएफटी की टोटल अमाउंट भी यही शो हो रही है $70.88। उसके बाद ये ईएफटी रेफरेंस नंबर है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, उसका ये रेफरेंस नंबर उसने यहाँ पे ये दिया हुआ है EFT 960 ये नंबर। और उसके बाद नीचे आपको पेशेंट और प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन आएगी, ये प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन है मार्गेट पीडियाट्रिक्स यहाँ पे, और उसके बाद ये प्रोवाइडर का टैक्स आईडी नंबर और एनपीआई नंबर है। देन नीचे पेशेंट की इंफॉर्मेशन आ रही है, ये पेशेंट है विंसन जैस्मीन, इसकी आईडी दी हुई है, इसकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, और उसके बाद पेशेंट का अकाउंट नंबर जो हमारे सॉफ्टवेयर में इशू होता है पेशेंट को वो दिया हुआ है, और इंश्योरेंस का क्लेम नंबर ये है जिसके अंडर इंश्योरेंस ने क्लेम प्रोसेस किया है। अब यहाँ पे आप नीचे देखें तो इसके देखें चार सिक्योरिटी कोड्स हैं, ये फर्स्ट वन 99394 है, फिर 3088 है, G8420 और G8510 है। तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट सीपीटी के अगेंस्ट जो बिल्ड अमाउंट थी यानी चार्जेस थे वो $280 थे, इंश्योरेंस ने $70 और $88 अलाउ किए हैं और यही इसने पे कर दी है। ये देखें नेट अमाउंट $70.88। यहाँ पे आप देखें तो को पे भी जीरो है, डिडक्टेबल भी जीरो है और को इंश्योरेंस भी जीरो है, यानी जितना उसने अलाउ किया है उतना ही उसने टोटल पे कर दी है। तो ये पेपर फॉर्म होती है किसी भी पेमेंट की इंफॉर्मेशन जो हमें रिसीव होती है पेपर फॉर्म के अंदर, जिसको हम ईओबी कहते हैं, ये उसका एक फॉर्मेट था मेरे पास, मैंने आपको दिखाया है। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन कि कोपे क्या होता है, डिडक्टिबल क्या होता है और को इंश्योरेंस क्या होता है। कोपे बेसिकली वो अमाउंट होती है जो हर विजिट के ऊपर पेशेंट ने पे करना होती है डॉक्टर ऑफिस को। सर्विसेज लेने से पहले जब भी पेशेंट विजिट करता है डॉक्टर ऑफिस को सर्विसेज लेने के टाइम, चेकअप के टाइम, तो डॉक्टर जो है वो उसकी इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन चेक करता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे इंश्योरेंस में, पेशेंट को भी पता होता है कि उसका कोपे है या डिडक्टेबल है या कोई इंश्योरेंस है वगैरह। अगर तो पेशेंट के प्लान के अंदर कोपे है तो पेशेंट उसी टाइम जो है वो एट द टाइम ऑफ विजिट वो अमाउंट प्रोवाइडर को पे कर देता है। कोपे बेसिकली एक फिक्स्ड अमाउंट है जो एट द टाइम ऑफ विजिट पेशेंट पे करता है प्रोवाइडर, ठीक है। कोपे एक फिक्स अमाउंट है जो एट द टाइम ऑफ विजिट पेशेंट प्रोवाइडर को पे करता है। ये इंश्योरेंस वाइज प्लान वाइज चेंज भी हो सकता है, यानी कोपे $5 भी हो सकता है, $2 भी हो सकता है, $15 भी हो सकता है, $30 भी हो सकता है, एज अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस प्लान। तो जितना भी इंश्योरेंस प्लान डिसाइड करती है कोपे, वो पेशेंट ने एट द टाइम ऑफ विजिट जो है वो प्रोवाइडर को पे करना होता है। ये एक फिक्स्ड अमाउंट है जो इंश्योरेंस डिसाइड करती है। जब भी पेशेंट इंश्योरेंस परचेज करता है तो पेशेंट और इंश्योरेंस के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने इतनी अमाउंट एट द टाइम ऑफ विजिट प्रोवाइडर को पे करनी है, उस अमाउंट को हम कोपे कहते हैं। दूसरी जो चीज है वो इसमें है डिडक्टिबल। डिडक्टिबल बेसिकली ये भी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, यानी ये भी पेशेंट ने ही पे करना होता है, लेकिन ये
वो अमाउंट होती है जो चेकअप के बाद पेशेंट जब सर्विसेज ले लेता है तो क्लेम इंश्योरेंस को सबमिट किया जाता है। इंश्योरेंस उस क्लेम को प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद वो डिडक्टेबल की एक अमाउंट पेशेंट के एंड पे छोड़ती है, वो तब जाके बाद में पेशेंट पे करता है प्रोवाइडर को। कोपे ये है कि वो एट द टाइम ऑफ विजिट पे करना होता है। डिडक्टेबल ये है कि वो सर्विसेज लेने के बाद जब पेशेंट का क्लेम प्रोसेस हो जाता है तब पे करना होता है। डिडक्टेबल की एक लिमिट होती है, ये वो अमाउंट है कि जब तक पेशेंट वो अमाउंट पूरी पे नहीं कर देता इंश्योरेंस पे करना स्टार्ट नहीं करती। यानी फर्ज करें एक पेशेंट जाता है इंश्योरेंस परचेज करने के लिए और इंश्योरेंस है यूनाइटेड हेल्थ केयर, फर्ज कर लेते हैं। जब वो इंश्योरेंस परचेज करने के लिए जाता है तो यूनाइटेड हेल्थ केयर उसको ये कहती है कि आप ये वाला प्लान हमसे परचेज कर रहे हैं, इसमें आपके लिए ये ऑफर है कि आप हमें सबसे पहले $2,000 डिडक्टेबल पे करेंगे। जब आपका $2,000 डिडक्टेबल पे हो जाएगा तो हम उसके बाद पे करना स्टार्ट करें। तो ये एक फिक्स्ड अमाउंट होती है ये भी, लेकिन ये एट द टाइम ऑफ विजिट पे नहीं करना पड़ती, बल्कि विजिट के बाद जो है वो पेशेंट पे करता है जब इंश्योरेंस इसको छोड़ती है पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब पेशेंट का $2,000 डिडक्टेबल मीट हो जाएगा यानी पेशेंट $2,000 की सर्विसेज ले लेगा, उसके बाद इंश्योरेंस उसके क्लेम्स की पेमेंट करना शुरू कर देगा। अब फर्ज करें पेशेंट ने $2,000 की सर्विसेज पहले 2 विजिट्स के अंदर ले ली, तो फिर 2 विजिट्स के बाद पेशेंट को जरूरत नहीं है पे करने की, उसके बाद फिर इंश्योरेंस उसके अमाउंट जो भी क्लेम्स हैं उसको पे करने की रिस्पॉन्सिबल होगी। इसको हम कहते हैं डिडक्टिबल अमाउंट। थर्ड वन जो है वो है को इंश्योरेंस। को इंश्योरेंस जो है ये परसेंटेज होती है पेशेंट और इंश्योरेंस के दरमियान। फर्ज कर लेते हैं ये इंश्योरेंस प्लान परचेज करता है पेशेंट, तो इंश्योरेंस उसको ये ऑफर करती है कि आप जो भी सर्विसेज लेंगे उसकी अलाउड अमाउंट का 80% हम पे करेंगे, 20% आपने पे करना हर विजिट के ऊपर जब भी आप चेक करवाएंगे। इस परसेंटेज को हम कहते हैं को इंश्योरेंस। ये 20% भी हो सकती है, 20-80 भी हो सकती है, 15-85 भी हो सकती है, 70-30 भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू प्लान्स ये परसेंटेज चेंज होती रहती है। अब इसमें बेसिकली प्लान्स कैसे प्रोसेस होते हैं, फर्ज कर लेते हैं ये क्लेम इंश्योरेंस को बिल हुआ और इंश्योरेंस ने अलाउ किया $70.88। अब इस प्लान में पेशेंट का ना तो कोपे है ना डिडक्टेबल और ना ही को इंश्योरेंस। फर्ज किया अगर यहाँ पे 15% को इंश्योरेंस होती तो इंश्योरेंस $70 अलाउ करती, उसमें से 15% जो है वो को इंश्योरेंस छोड़ती, बाकी जो अमाउंट बचती वो इंश्योरेंस पे करती। तो को इंश्योरेंस ये है कि ये कॉस्ट शेयरिंग है, यानी ये परसेंटेज है पेशेंट के दरमियान और इंश्योरेंस प्लान के दरमियान। तो ये डिफरेंट चीजें हैं तीन जो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मेजर। सबसे पहली जो है वो कोपे है, ये एक फिक्स्ड अमाउंट है जो एट द टाइम ऑफ विजिट पेशेंट ने प्रोवाइडर को पे करना होती है। दूसरी जो है वो डिडक्टिबल है, ये भी एक फिक्स्ड अमाउंट है लेकिन ये पेशेंट तब तक पे करता रहता है जब तक ये अमाउंट कवर नहीं हो जाती। जब अमाउंट पूरी पे कर लेता है पेशेंट तो फिर उसके बाद इंश्योरेंस पे करना स्टार्ट कर देता है। थर्ड वन जो है को इंश्योरेंस, ये परसेंटेज होती है कॉस्ट शेयरिंग, यानी अगर 80% इंश्योरेंस पे करती है तो 20% पेशेंट पे करेगा, या 85% इंश्योरेंस पे करेगी और 15% पेशेंट पे करेगा। तो ये तीन डिफरेंट पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो पेशेंट ने पे करना होती है। इन तीनों के रिलेटेड अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर। ओके। अच्छा तो ये है जी ईआरए या ईओबी के ऊपर जो आपको इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि पेशेंट का आईडी नंबर होता है, पेशेंट का नेम होता है, इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन होती है, सीपीटीज, डायग्नोसिस कोड्स, डेट ऑफ सर्विस, चार्ज अमाउंट, अलाउड अमाउंट, पेड अमाउंट, एडजस्टमेंट एंड पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये हमारा जो है वो ईआरए या ईओबी का जो पूरा पोर्शन है वो मैंने कवर कर दिया है। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके।
अच्छा, क्लेम की प्रोसेसिंग के बाद जब आपके पास पेमेंट रिसीव हो जाती है, तो पेमेंट रिसीव होने के बाद आपने वो पेमेंट जो है वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंटर करना होती है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से इंफॉर्मेशन या यूपी के ऊपर आती है। अब एक तो ये चीज है कि आपको पेमेंट रिसीव हो गई, पूरा क्लेम आपका पे हो गया, जैसे मैंने अभी आपको ईआरएस दिखाई और आपने वो अपने सिस्टम के अंदर इंटर कर ली। लेकिन असल जो आपका काम है वो ये है कि अगर आपका क्लेम इन केस पे नहीं होता, उस केस में आपने क्या करना है, ये हमारा थर्ड स्टेप होता है और इसको हम कहते हैं फॉलो अप। अब फॉलो अप आपने कैसे करना है, किस किस्म के डिनायल्स आपको रिसीव हो सकते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? ओके, यस सर, हो रही। ये मैंने एक ईआरए ओपन की हुई है फ्लोरिडा ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड की। यहाँ पे ये अगर आप देखें तो क्लेम की जो टोटल चार्ज अमाउंट है वो $300 है। इंश्योरेंस ने कुछ भी पे नहीं किया और टोटल पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने शो लिया $300, पूरे $300। अब यहाँ पे अगर आप और से देखें तो ये सीबीडी कोड बिल हुआ है 99381, बिल्ड अमाउंट इसकी $300 है, अलाउ इंश्योरेंस ने $300 किया और पूरे का पूरा एडजस्टमेंट में डाल दिया और आगे लिखा हुआ PR96, पेमेंट देखें आपकी जीरो है, जहाँ पे ना तो डिडक्टेबल है, ना कोई इंश्योरेंस है और ना कोपे है। अब इट मींस कि ये क्लेम हमारा डिनाई हो गया है, हमारे पास ना तो कोई पेमेंट आई है, ना कोई डिडक्टेबल छोड़ा गया है, ना कोई इंश्योरेंस है, ना कोपे है। अब हमने ये फाइंड आउट करना होता है कि ये क्लेम जो नहीं पे हुआ इसके इसके साथ क्या इश्यू है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से आगे ये कोड्स लिखे हुए हैं, रिमार्क कोड N130, N448, N381। अब आपने इन कोड्स को यहाँ पे ये डिटेल उसने दी हुई है इनको चेक करना होता है। अब अगर आप 96 को चेक करें, PR96, तो ये लिखा हुआ है नॉन कवर्ड चार्जेस, दिस चेंज बी इफेक्टिव फ्रॉम दिस एटलीस्ट वन रिमार्क कोड मे बी कंप्राइज अदर रेमिटेंस एडवाइस। अब नीचे वाला कोड आप देखिए, कंसल्ट द बेनिफिट डॉक्यूमेंट्स गाइडलाइंस फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट रिस्ट्रिक्शन ऑफ दिस सर्विस, दिस ड्रग एंड सर्विस इज नॉट इंक्लूडेड इन द फी स्केड्यूल आर लेजिस्लेटेड फी एग्रीमेंट। अब यहाँ पे आप देखें तो ये इंश्योरेंस ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपका जो क्लेम है वो क्यों नहीं पे होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको डिफरेंट किस्म के डिनाइल्स रिसीव होते हैं जब आपके क्लेम पे नहीं होते। अब यहाँ पे ये क्लेम नॉन कवर्ड से पे डिनाई हुआ हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब क्लेम नॉन कवर्ड से डिनाई होता है तो हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हम इंश्योरेंस को कॉल करते हैं और उनसे कम्युनिकेट करते हैं कि क्लेम नॉन कवर्ड से क्यों डिनाई हुआ है, मतलब क्या वो जो हमने सर्विसेज बिल की है वो प्रोवाइडर के अंडर कवर नहीं हो रही, या वो पेशेंट के प्लान के अंडर कवर नहीं हो रही। तो कुछ क्योंकि सर्विसेज ऐसी होती हैं कि इंश्योरेंस पेशेंट को कह देती है कि आपके प्लान के अंदर ये सर्विसेज कवर हो सकती हैं, इसके अलावा अगर आप कोई सर्विस लेंगे तो हम उसको पे नहीं करेंगे, वो नॉन कवर्ड सर्विसेज कहलाती हैं। तो ऐसे केस में अगर कोई ऐसा सिनेरियो है तो आप वो जो अमाउंट है वो उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो पेशेंट होगा। लेकिन अगर कोई और इशू है हमारे एंड के ऊपर या प्रोवाइडर के एंड के ऊपर, तो हमने उस इशू को रिजॉल्व करना होता है और उसके बाद हमने करेक्शन के बाद जो है वो क्लेम को रिसबमिट करना होता है ताकि हमारे क्लेम की पेमेंट रिसीव हो। तो इस तरह के डिनायल्स आपको रिसीव होते हैं और इन डिनायल्स को जब हम रिजॉल्व करते हैं, इनके ऊपर काम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। अब फॉलो अप के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, आपने कैसे कौन सी एसओपीज को फॉलो करना है, फॉलो अप के लिए आपने फॉलो अप कैसे करना है, कौन कौन से कॉमन डिनायल्स हैं जो आपको रिसीव हो सकते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो फॉलो अप के लिए जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आप फोकस करें उस ईआरए या ईओबी के ऊपर जो आपको रिसीव हुई है और वहीं से आप ये जानने की कोशिश करें कि आपका क्लेम क्यों डिनाई हुआ है और उसी टाइम आप उस पे एक्शन ले लें ताकि आपके आपका टाइम कंज्यूम ना हो और क्लेम जो है वो आपके पेमेंट उसकी जल्दी रिसीव हो जाए। पहला स्टेप तो ये है कि आपके पास जो ईआरए या ईओबी रिसीव होती है आप उसको केयरफुली पढ़ें, उसको गौर से देखें और उसके ऊपर ये कोशिश करें जानने की कि डिनाई क्यों हुआ है क्लेम। ईआरए या ईओबी के ऊपर क्लियरली मेंशन होता है कि आपका क्लेम क्यों डिनाई है। अब फर्ज कर लेते हैं एक क्लेम आपने सबमिट किया था और उसकी ईआरए आपके पास आई है, वो क्लेम पे नहीं हुआ, इंश्योरेंस में लिखा हुआ है कि दिस सर्विस इज कवर्ड बाई इन अदर पेयर, तो इस तरह की स्टेटमेंट आपको लिखी हुई ईआरए या ईओबी के ऊपर आएगी, तो आपको ये पता चल गया पढ़ने के साथ ही कि भाई ये जो क्लेम है ये हमने रॉन्ग इंश्योरेंस को सबमिट किया है।
इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपका जो क्लेम है वो इस इंश्योरेंस के अंडर कवर नहीं हो रहा, बल्कि इस पेशेंट की कोई और इंश्योरेंस है। तो ये एक बेसिक डिनाइल है जो आपको अक्सर ईआरए या ईओपी के ऊपर रिसीव होता है, कवर्ड बाय अनदर पेयर या सीओबी इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। इस केस में आपने ये करना होता है कि जो भी पेशेंट की इंश्योरेंस है उसकी इंफॉर्मेशन को आपने डबल चेक करना होता है। मोस्टली ये होता है कि हमने क्लेम रॉन्ग इंश्योरेंस को सबमिट किया होता है, तो आपने इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन को करेक्ट करना होता है, और करेक्ट करने के बाद आपने क्लेम को सबमिट करना होता है करेक्ट इंश्योरेंस को। उसके बाद जो दूसरा डिनायल आपके पास आ सकता है वो ये हो सकता है कि पेशेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर द डेट ऑफ सर्विस, ये पेशेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर दीज सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि जिस डेट ऑफ सर्विस को पेशेंट ने चेकअप करवाया है, उसने सर्विसेज लिए डॉक्टर से, उस स्पेसिफिक डेट के ऊपर पेशेंट जो था वो इंश्योरेंस के साथ एक्टिव नहीं था। मैंने आपको बताया भी था कि जब पेशेंट इंश्योरेंस परचेज करता है तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, बाज़ोकात 6 माह तक वैलिड होता है वो प्लान, बाज़ोकात 1 साल तक वैलिड होता है, समटाइम्स 1 साल से ज्यादा के लिए वैलिड होता है। तो ऐसा भी होता है बाज़ोकात कि इंश्योरेंस जो है वो टर्मिनेट हो चुकी होती है, यानी उसकी जो कवरेज डेट है वो खत्म हो चुकी होती है। तो उसके बाद अगर पेशेंट कोई सर्विसेज लेगा तो आपके पास वो डिनाइल जो आएगा वो ये होगा कि पेशेंट इज नॉट एलिजिबल ऑन द डेट ऑफ सर्विस, यानी इस डेट ऑफ सर्विस के ऊपर पेशेंट इंश्योरेंस के साथ एक्टिव नहीं था, उसकी कवरेज टर्मिनेट हो चुकी थी। ये डिनाइल आपको एक और स्टेटमेंट के साथ भी आ सकता है, और वो स्टेटमेंट होगी कवरेज हैज बीन टर्मिनेटेड या कवरेज टर्मिनेटेड। ये आपको पढ़ के पता चल जाएगा कि पेशेंट की जो कवरेज है यानी जो पॉलिसी है उसकी वो टर्मिनेट हो चुकी है यानी खत्म हो चुकी है। इस डिनाइल के केस में आपने ये करना होता है कि सबसे पहला स्टेप ये कि आपने पेशेंट की एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि इंश्योरेंस रॉन्गली डिनाई कर देती है, पेशेंट एक्चुअली एक्टिव होता है उस डेट को, लेकिन इंश्योरेंस के रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन रॉन्ग जब होती है अपडेट तो वो हमारा क्लेम रॉन्गली डिनाई कर देता है। अब जब आप एलिजिबिलिटी वेरीफाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट एक्टिव था या नहीं था। अगर आपके पास ये डिनाइल आया है कि पेशेंट वाज नॉट एलिजिबल, आपने एलिजिबिलिटी चेक की और पेशेंट उस डेट ऑफ सर्विस पे एक्टिव शो हो रहा है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इंश्योरेंस ने हमारा क्लेम जो है वो रॉन्गली डिनाई किया है, यानी इसमें हमारी कोई गलती नहीं है बल्कि इंश्योरेंस की तरफ से एरर है। तो इस केस में आपने इंश्योरेंस को कॉल करना होती है, और कॉल करके आपने क्लेम को रिप्रोसेस करवाना होता है, यानी इंश्योरेंस से ये रिक्वेस्ट करनी होती है कि हमारे पास पेशेंट का एलिजिबिलिटी प्रूफ है, पेशेंट इस डेट ऑफ सर्विस पे एक्टिव था, इसी इंश्योरेंस के साथ एक्टिव था, सो आपने जो क्लेम रॉन्गली डिनाई किया आप उसको रिप्रोसेस करें। अगर तो इंश्योरेंस एक्टिव नहीं है और इंश्योरेंस ने दुरुस्त डिनाई किया आपका क्लेम, करेक्टली डिनाई किया है, तो इस केस में आपने एक्टिव इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन देना होती है। तो फिर इस केस में आप ये करेंगे कि आप प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें पेशेंट की एक्टिव इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर प्रोवाइडर आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है तो आपने उस इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट कर देना है। अगर प्रोवाइडर ये कहता है कि पेशेंट की यही इंश्योरेंस है, मेरे पास कोई और इंश्योरेंस नहीं है, तो उस केस में फिर इस अमाउंट का जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो पेशेंट होगा। तो आपने फिर इस केस में डायरेक्टली जो क्लेम है वो किसको बिल करना होता है, पेशेंट को बिल करना होता है, यानी ये क्लेम पेशेंट के एंड पे चला जाता है, उसमें पे करना होता है। उसके बाद जो थर्ड कॉमन डिनाइल है वो आपको आ सकता है टाइमली फाइलिंग लिमिट एक्सीडेड। टाइमली फाइलिंग लिमिट क्या होता है कि जब हम किसी भी इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट करवाते हैं तो हर इंश्योरेंस का डिफरेंट टाइम फ्रेम होता है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर उसको क्लेम जाना चाहिए फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस। कुछ इंश्योरेंसेस ऐसी होती हैं जिनका टाइमली फाइलिंग लिमिट जो है वो 120 डेज होता है, कुछ इंश्योरेंस के 180 डेज, और कुछ इंश्योरेंसेज ऐसी होती हैं जिनका 365 डेज यानी 1 ईयर टाइमली फाइलिंग लिमिट होती है। अब फर्ज कर लेते हैं कि एक पेशेंट को डॉक्टर ने देखा है जनवरी 1 को और वो हमें क्लेम भेज रहा है जून 1 को, तो इट मीन्स कि अगर उसकी इंश्योरेंस प्लान ऐसा है जिसकी टाइमली फाइलिंग लिमिट 120 डेज थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्लेम पे नहीं होगा, क्योंकि हमने इंश्योरेंस की टाइमली फाइलिंग लिमिट को क्रॉस कर दिया है, यानी क्लेम की डेट ऑफ सर्विस को 120 दिन से ज्यादा हो गए और हमने अभी क्लेम सबमिट ही नहीं किया। तो इस केस के अंदर जो आपके पास डिनाइल आता है वो ये वाला डिनाइल होता है, टाइमली फाइलिंग लिमिट एक्सीडेड। इस केस में ये होता है कि अगर आपके पास क्लेम डॉक्टर ऑफिस से वाकई लेट रिसीव हुआ है यानी टाइमली फाइलिंग लिमिट के बाद रिसीव हुआ है, तो फिर उस केस में ये पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इस क्लेम को पे करना। उस केस में ये होता है कि हम प्रोवाइडर मोस्टली ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं आप क्लेम को सेटल कर दें यानी एडजस्ट कर दें।
लेकिन अगर प्रोवाइडर ऑफिस से ये क्लेम हमारे पास इन टाइम रिसीव हुआ था और हमने सबमिट करने में इसको देर की है, तो दैट मीन्स कि ये हमारा फॉल्ट है और इसकी लाइबिलिटी जो है वो हम पे पड़ती है। तो जो इस डिनाइल से बचने के लिए आपने जो मेजर स्टेप्स लेने हैं वो ये हैं कि जब भी आपके पास बिलिंग रिसीव होती है प्रोवाइडर ऑफिस से, तो हमारा ये सुपीरियर है हमारी कि हम उन क्लेम्स को, उन बिलिंग को 24 आवर्स के अंदर अंदर सबमिट करवा देते हैं। यानी अगर फर्ज करें फ़रवरी 7 की बिलिंग जो है हमें प्रोवाइडर ऑफिस से रिसीव हुई है, तो वो फ़रवरी 8 से पहले पहले, 9 से पहले पहले वो सबमिट हो जानी चाहिए विद इन 24 आवर्स। तो अगर हमारी तरफ से डिले होगा तो इसका मतलब है कि फिर जब ये डिनाइल आ जाता है हमारे पास और हमने क्लेम लेट फाइल किया होता है, तो इसका फिर हमारे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं होता। मोस्टली जो होता है हम अपील वगैरह करते हैं, या अगर क्लेम को डिस्प्यूट भी करते हैं तो इंश्योरेंस डिनाई कर देती है कि आपने क्लेम लेट फाइल किया था। अगर हमारी तरफ से क्लेम इन टाइम फाइल हुआ था, इंश्योरेंस को टाइमली सबमिट हुआ था, फिर भी इंश्योरेंस ने ये डिनाई किया, यानी इनकोरेक्टली डिनाई किया है, तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि आपने टाइमली फाइलिंग प्रूफ के साथ जो है वो इंश्योरेंस को अपील करना होती है। आपके पास सिस्टम के अंदर एक प्रूफ आ जाता है जब आप क्लेम की सबमिशन करते हैं, आपने वो प्रूफ अटैच करके तो इंश्योरेंस को वो क्लेम भेजना होता है कि हमारे पास ये टाइमली फाइलिंग प्रूफ है, ये क्लेम जो है हमने टाइमली फाइलिंग लिमिट के अंदर अंदर सबमिट किया था, आपने इसको रॉन्गली डिनाई किया है, तो उस केस में वो क्लेम जो है वो इंश्योरेंस रिप्रोसेस कर देती है और उसकी पेमेंट रिलीज कर देती है। तो ये पहला डिनाइल हमने डिस्कस किया, पेशेंट इज नॉट एलिजिबल। सेकंड डिनाइल हमने डिस्कस किया, कवर्ड बाय एन अदर पेयर। और थर्ड वन हमने डिस्कस किया है, टाइमली फाइलिंग लिमिट एक्सीडेड। उसके बाद जो फोर्थ वन है, जो कॉमन डिनाइल आपको आ सकता है, वो है इंक्लूसिव या पेमेंट इज इंक्लूडेड इन एन अदर सीपीटी। ये डिनाइल भी आपको मोस्ट कॉमन डिनाइल है जो मोस्टली आपको रिसीव होता है। इसका मतलब ये होता है कि समटाइम्स प्रोवाइडर जो है वो एक क्लेम के ऊपर दो या दो से ज्यादा सीपीटी कोड्स बिल करता है, लेकिन उन सीपीटी कोड्स की समटाइम्स जरूरत नहीं होती। यानी उसको एक ही बिल करना चाहिए था, क्योंकि एक सीपीटी कोड उन सर्विसेज को कवर कर रहा है, तो उसने एक्स्ट्रा सीपीटी कोड अगर दूसरा भी सबमिट कर दिया है, तो उस केस में जो है वो इंश्योरेंस आपका क्लेम डिनाई करेगी, इंक्लूसिव या पेमेंट इज इंक्लूडेड इन अदर सीपीटी। यानी इस सीपीटी की जो पेमेंट है वो दूसरे सीपीटी में इंक्लूड कर दी गई है। तो इस केस में मोस्टली जो होता है कि हम मॉडिफायर्स का यूज करते हैं। मॉडिफायर्स क्या होते हैं ये हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो मॉडिफायर्स यूज करने के बाद हम इन क्लेम्स को रिसबमिट करते हैं, और अगर वाकई अननेसेसरी सीपीटी कोड बिल हुआ हुआ है तो फिर हम प्रोवाइडर से डिस्कस करते हैं और उसके अप्रूवल के बाद उस सीपीटी कोड को हम एडजस्ट कर देते हैं या सेटल कर देते हैं। तो ये कॉमन डिनाइल्स जो हैं वो जो आपको रिसीव हो सकते हैं, फर्स्ट फोर हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी क्लियर है सबको? अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इसके रिलेटेड? सबको क्लियर जी सर क्लियर। है? ओके ओके देन हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो डिनाइल आपको रिसीव हो सकता है वो है जी सीपीटी एंड मॉडिफायर कम्बिनेशन, इनवैलिड सीपीटी एंड मॉडिफायर कम्बिनेशन। इसमें ये होता है कि आपने जो सीपीटी कोड इंश्योरेंस को सबमिट किया है और उसके साथ अगर कोई मॉडिफायर बिल किया आपने, मॉडिफायर्स क्या होते हैं कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस फिलहाल आप इतना जहन में रखें कि मॉडिफायर जो है वो अल्फा न्यूमेरिक दो कैरेक्टर्स के, दो डिजिट्स के होते हैं। जैसे सीपीटी कोड 5 डिजिट्स का होता है, मॉडिफायर जो है वो 2 डिजिट्स के होते हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। ये सर्विसेज को मॉडिफाई करने के लिए यूज होते हैं, सर्विसेज को एक्सप्लेन करने के लिए कि इस सर्विस में हमने ये चेंज किया है या इस सर्विस को इस तरह से परफॉर्म किया है। सर्विस को मजीद डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए हम मॉडिफायर्स का यूज करते हैं सीपीटी कोड्स के साथ। तो ये जो आपको डिनाइल जब रिसीव होगा, इनवैलिड सीपीटी एंड मॉडिफायर कम्बिनेशन, इसका मतलब ये है कि आपने जो सीपीटी कोड बिल किया है और उसके साथ आपने जो मॉडिफायर सबमिट किया है उसका कम्बिनेशन जो है वो दुरुस्त नहीं है, वो इनवैलिड है। या तो सीपीटी कोड आपने रॉन्गली सबमिट किया है, या फिर आपने मॉडिफायर रॉन्ग लगाया हुआ है, या फिर उस मॉडिफायर की जरूरत नहीं थी। तो
तो आपने सिचुएशन को देखते हुए अकॉर्डिंगली इसको रिजॉल्व करना होता है। फर्ज किया अगर आपने मोडिफायर अननेसेसरी बिल किया है, वो मोडिफायर नहीं बिल होना चाहिए था, तो आप क्या करते हैं कि उस मोडिफायर को रिमूव करते हैं और करेक्टेड क्लेम इंश्योरेंस को दोबारा से सबमिट करते हैं। और अगर सारा कुछ ठीक है, आपने सारी चीज़ें वेरीफाई कर ली हैं और आपको लगता है कि ये क्लेम रॉन्गली डिनाई है, तो उस केस में फिर आपने इंश्योरेंस को कॉल करना होती है, इंश्योरेंस से कम्युनिकेट करना होता है और इंश्योरेंस से ये रिक्वेस्ट करनी होती है कि आप हमारा ये क्लेम जो है इसको रिव्यू करें या रिप्रोसेस करें। देन जो नेक्स्ट कॉमन डिनाइल है वो है सीपीटी और आईसीडी इज इनकंसिस्टेंट विद द पेशेंट एज। कुछ सीपीटी कोड्स और डायग्नोसिस कोड्स ऐसे होते हैं जो एज वाइज हम सबमिट करते हैं, यानी वो एज रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। फर्ज कर लेते हैं एक सीपीटी कोड है 91391। ये जो सीपीटी कोड है ये यूज होता है 0 से लेके 4 साल की एज तक, यानी न्यू बॉर्न बेबी से 4 साल की एज तक। अगर पेशेंट की एज 5 साल है और आपने सीपीटी कोड बिल कर दिया है 91391, तो देन इंश्योरेंस आपका क्लेम डिनाई कर देगी। वो ये कहेगी कि ये जो सीपीटी आपने बिल किया है ये पेशेंट की एज के साथ मैच नहीं कर रहा। या फिर आईसीडी कोड्स कुछ ऐसे होते हैं जो पेशेंट के साथ एज रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो एज वाइज आप सबमिट करते हैं। तो अगर कोई ऐसा आईसीडी कोड आपने लगा दिया जो पेशेंट की एज के साथ मैच नहीं कर रहा, तो उस केस में आपको ये डिनायल रिसीव होगा कि सीपीटी और आईसीडी इज इनकंसिस्टेंट विद द पेशेंट एज। तो फिर उस केस में आपने पेशेंट की एज चेक करनी होती है, आईसीडी और सीपीटी की इंफॉर्मेशन को डबल चेक करना होता है। अगर आपकी तरफ से कोई मिस्टेक है, कोई सीपीटी या आईसीडी आपने रॉन्ग सबमिट किया हुआ है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली करेक्ट करते हैं और करेक्शन के बाद जो है आप क्लेम इंश्योरेंस को फाइल करते हैं। उसके बाद जो डिनाइल हो सकता है वो पेशेंट का जेंडर हो सकता है। सीपीटी और आईसीडी इज मिसमैच्ड विद द पेशेंट जेंडर। कुछ सीपीटीज और आईसीडीज ऐसे होते हैं जो जेंडर वाइज बिल किए जाते हैं। फर्ज कर लेते हैं अगर फीमेल के लिए एक सीपीटी स्पेसिफिक है, आप वो सीपीटी उठा के मेल पेशेंट के साथ बिल कर देंगे, फिर जाहिर सी बात आपका क्लेम डिनाई हो जाएगा और इंश्योरेंस आपको ये कहेगी कि पेशेंट का जो जेंडर है वो इस सीपीटी कोड के साथ या इस आईसीडी कोड के साथ मैच नहीं कर रहा। तो इसका भी आपने वही करेक्टिव एक्शन लेना होता है, यानी पेशेंट के सीपीटी कोड्स और उसके जेंडर की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना होता है। जो भी मिस्टेक होती है आप उसको करेक्ट करते हैं और क्लेम को वापस रिसबमिट कर देते हैं। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन डिनाइल है वो है सर्विसेज आर नॉट डीम्ड एज मेडिकल नेसेसिटी। यानी इंश्योरेंस आपको ये कह रही है कि प्रोवाइडर ने जो सर्विसेज परफॉर्म की हैं इनकी जरूरत नहीं थी, प्रोवाइडर ने ये सर्विसेज अननेसेसरीली परफॉर्म की। ये मोस्टली डिनाइल तब आता है जब आप आईसीडी कोड्स की इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस को गलत सबमिट करते हैं, क्योंकि आईसीडी कोड्स मैंने आपको बताया था कि वो डिजीज को इंडिकेट कर रहे होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो प्रोवाइडर के पास आ रहा होता है किसी और बीमारी के चेकअप के लिए, पिछले फर्ज किया 2 महीने से पेशेंट आ रहा है प्रोवाइडर के पास, उसके 3-4 चेकअप्स पहले भी हो चुके हैं, अचानक से आप उसके 4th-5th विजिट के ऊपर उसके आईसीडीज की इंफॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं, तो इंश्योरेंस जाहिर सी बात है वो इस क्लेम को पे नहीं करेगी। वो ये कहेगी कि भाई पेशेंट के जो प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड है वो ये शो कर रहा है कि पेशेंट को बीमारी ही कुछ और है, उसको इस सर्विस की जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसे केसेस में जो है वो आपको ये डिनाइल रिसीव होता है। तो इस केस में आपने पेशेंट के सीपीटीज और आईसीडीज की इंफॉर्मेशन को डबल चेक करना होता है। अगर सारा कुछ आपकी तरफ से करेक्ट है तो उस केस में फिर इंश्योरेंस को कॉल करके हम उसको पूछ सकते हैं, बाजू का उसको मेडिकल रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो फिर हम पेशेंट के जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो भी इंश्योरेंस को सबमिट करते हैं, तो देन ये क्लेम इंश्योरेंस आपका पे करती है। उसके बाद जो कॉमन डिनाइल है वो है सर्विसेज नॉट परफॉर्म बाई पीसीपी। पीसीपी के हवाले से किसी ने डिस्कस किया आपसे पहले या नहीं, पीसीपी का पता है किसी को? प्राइमरी केयर फिजिशियन। जी प्राइमरी केयर प्राइमरी केयर प्रोवाइडर या प्राइमरी केयर फिजिशियन। इंश्योरेंस प्लान्स डिस्कस किए होंगे फर्स्ट लेक्चर में, तो सरजीन ने आपसे डिस्कस किया होगा। जो पीसीपी होता है बेसिकली ये असाइंड प्रोवाइडर होता है किसी भी पेशेंट के लिए एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर या एक स्पेसिफिक नेटवर्क के अंदर। ये इंश्योरेंस के प्लान के हिसाब से वेरी करती है ये चीज़। अगर पेशेंट ऐसा इंश्योरेंस प्लान परचेज करता है जिसकी कॉस्ट लो है, तो उस केस में इंश्योरेंस उसको ये ऑप्शन देती है कि आप सिर्फ इस डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा सकते हैं।
एक स्पेसिफिक डॉक्टर उसको असाइन कर दिया जाता है, उस डॉक्टर को हम प्राइमरी केयर फिजिशियन या प्राइमरी केयर प्रोवाइडर कहते हैं। जब भी वो पीसीपी के अलावा किसी और डॉक्टर को विजिट करेगा तो उसके लिए उसको इंश्योरेंस से एक ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होगी। एक आप यूँ समझने के इंश्योरेंस उसको पहले से इंश्योरेंस से वो डिस्कस करेगा, इंश्योरेंस से ये अप्रूवल लेगा कि मैंने पीसीपी के अलावा किसी और डॉक्टर को चेक करवाना है, तो देन वो किसी और डॉक्टर को विजिट कर सकता है, अदरवाइज वो किसी और डॉक्टर को विजिट नहीं कर सकता। तो जब पेशेंट अपने पीसीपी के अलावा किसी और डॉक्टर से सर्विसेज ले लेता है, देन आपके पास ये डिनाइल आता है, सर्विसेज नॉट परफॉर्म बाई पीसीपी। अब इसमें डिफरेंट सिनेरियोज हो सकती है। एक तो सिनेरियो ये है कि पेशेंट ने वाकई अपने पीसीपी से सर्विसेज नहीं ली, पेशेंट का पीसीपी कोई और था, उसने किसी और डॉक्टर को विजिट किया। अगर तो ये सिनेरियो है तो इस केस में ये सारी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपने इस क्लेम को पेशेंट को बिल कर दिया। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इंश्योरेंस के पास पेशेंट के पीसीपी की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई होती, यानी इंश्योरेंस के रिकॉर्ड में कोई और पीसीपी शो हो रहा होता है, एक्चुअली पेशेंट का पीसीपी कोई और होता है जिसे उसने चेकअप करवाया। तो इस केस में आपने पेशेंट की एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करना होता है। जब आप एलिजिबिलिटी वेरीफाई करते हैं तो वहां पे प्राइमरी केयर प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अगर आपको पेशेंट का पीसीपी जो है वो वही प्रोवाइडर है जिसके अंडर क्लेम बिल हुआ है, जिसके पास पेशेंट ने विजिट किया है, तो इस केस में फिर आपने इंश्योरेंस को कम्युनिकेट करना होता है, इंश्योरेंस को रीच करें और उससे आपने ये डिस्कस करना होता है कि पेशेंट का जो फिजिशियन था वो यही डॉक्टर था जिसके अंडर आपने क्लेम बिल किया है, आपने क्लेम को रॉन्गली डिनाई किया है। उस केस में फिर इंश्योरेंस उस क्लेम को रिव्यू करेगी और रीप्रोसेसिंग के बाद उसके पेशेंट जो पेमेंट है वो आपको रिलीज कर देगी। तो ये कुछ 8-10 डिनाइल्स होते हैं कॉमन जो आपको ERAs या EOBs के ऊपर रिसीव हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज पेशेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर द डेट ऑफ सर्विस, सेकंड वन इज कवर्ड बाय अनदर पेयर, थर्ड वन इज टाइमली फाइलिंग लिमिट एक्सीडेड, फोर्थ वन इज इंक्लूसिव और पेमेंट इज इंक्लूडेड इन अनदर CPT, फिफ्थ वन इज इनवैलिड CPT एंड मॉडिफाइड कॉम्बिनेशन, सिक्स्थ वन इज CPT और OCD इज इनकंसिस्टेंट विद द पेशेंट एज, Seventh one is patient gender with mismatch CPT. Eighth one is services are not deemed as medical necessity. And ninth one is services not performed by PCP. तो ये कुछ major denials होते हैं, basic denials होते हैं जो आपको PCP वाला दोबारा कर दें, बता दें, ये आवाज कट की थी आपकी। Okay, sure. PCP जो होता है, ये abbreviation है primary care physician का। Basically ये पीसीपी जो है ये इंश्योरेंस प्लान डिसाइड करता है। जब भी कोई पेशेंट इंश्योरेंस परचेज करता है तो इंश्योरेंस उसको ये ऑफर करती है कि हमारे पास डिफरेंट प्लान है। जो इसका डिनाइल है उसका मैं पूछ रही हूँ। ओके, डिनाइल्स के हवाले से पूछ रही हूँ, ठीक है। जब ये डिनाइल आपको आता है तो आपने दो चीजें वेरीफाई करनी होती है। फर्स्ट वन तो ये कि आपने पेशेंट की पीसीपी की इंफॉर्मेशन को चेक करना होता है, यानी आपने पेशेंट की एलिजिबिलिटी वेरीफाई करनी होती है। जब आप पेशेंट की एलिजिबिलिटी वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने पीसीपी की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर तो आप पेशेंट का पीसीपी वही है जो क्लेम के ऊपर मेंशन है, यानी जिस प्रोवाइडर से पेशेंट ने चेक करवाया है वही उसका पीसीपी आ रहा है, तो देन आपने ये करना है कि आपने इंश्योरेंस को कॉल करनी है और उसको ये बताना है कि आपने हमारा क्लेम रॉन्गली डिनाई किया, आप इसको रिप्रोसेस करें। अगर पेशेंट का पीसीपी वो नहीं है जिससे उसने चेकअप करवाया है, पीसीपी कोई और शो हो रहा है, तो इट मीन्स कि इंश्योरेंस ने क्लेम ठीक डिनाई किया है। तो इस केस में जो है वो पेशेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इस अमाउंट का, आपने ये अमाउंट पेशेंट को ट्रांसफर करना होता है और फिर उस केस में पेशेंट पे करता है। ओके सर, जी, इन डिनाइल्स के हवाले से ये